ईसाई समाज में आज गुड फ्राइडे का त्यौहार मनाया। इस अवसर पर प्रार्थना सभा का आयोजन भी किया गया। सेंट एंसलम चर्च में दोपहर 3 बजे विशेष प्रार्थना का आयोजन किया गया। प्रभु ईसा मसीह इस दुनिया में पापियों की गुलामी से मुक्त करने के लिए आए थे और आज के दिन ही उन्होंने दुनिया के लोगों के लिए सूली पर चढ़े, इसलिए आज के दिन को गुड फ्राइडे के रूप में मनाया जाता है। ऐसा ही समाज के लोग अलग अलग चर्च में आज के दिन प्रार्थना करते हुए उस दिन को याद करते हैं जब प्रभु यीशु मसीह का पुनर्जन्म भी इसी के बाद हुआ था। उसका दृश्य भी सबके सामने रखा गया जिससे कि उन्हें याद किया जा सके। गुड फ्राइडे मनाते हैं पूरी दुनिया में। गुड फ्राइडे का मतलब है कि प्रभु यीशु ख्रिस्त इस दुनिया में सारी मानव जाति को, विशेष ईसाई लोगों को, पाप के गुलामी से मुक्त करने के लिए आए और अपना जीवन उन्होंने कलवारी पहाड़ पर चढ़ाया और उस घटना का आज हम 3 बजे मनाया और उसमें काफ़ी लोग भाग लिया है और इसके द्वारा हम ये प्रदर्शित करते हैं दुख का समय खत्म हो गया है। और इसके बाद फिर हम चर्च के अंदर इसके सर्विस भी किया, वहाँ प्रभु यीशु ख्रिस्त के मृत्यु और उस सब जो घटना घटित हुआ वह सब हमने मनाया। फिर कल के दिन रात को 11:30 बजे हम चर्च के अंदर वो प्रभु यीशु का पुनरुत्थान का पर्व मनाएंगे और उसमें प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने जो मृत्यु के बाद उनको लोगों ने 3 दिन तक कब्र में दफनाया था, लेकिन तीसरे उन्होंने मृतकों से जी उठा और उन्हें नवजीवन, अपने पुनर्जीवन के द्वारा उन्हें नवजीवन पा लिया है और हम सबों को दे दिया है। वो खुशी हम दूसरे को हम आपस में विश करेंगे हैप्पी ईस्टर।